नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका समाचार कैरी हिंदी न्यूज चैनल में। और इस समय मैं मौजूद हूं लगरपुर गांव में। जी हां, मेरे पीछे आप देख सकते हैं, यहां ग्राम पंचायत लगरपुर के इस मेन चौराहे पर मैं खड़ा हूं। और आज यहां पर पूरे गांव को सैनिटाइज किया जा रहा है बाड़सा गांव के युवा समाज सेवी चेतानंद बाड़सा के द्वारा। आइए बात करते हैं चेतानंद बाड़सा से। चेतानंद जी नमस्कार। नमस्कार भाई संजय। भाई ये जो सैनिटाइज आप कर रहे हैं चेता, कब से शुरू किया आपने? ये आज से शुरू किया है, पेड़ पर शुरू किया था, उसके बाद दरिया पर, अब लगर पर, फिर देवर खाना, मुंडा खेड़ा, बाड़सा, अपना लोट, अपना जितने भी बादली, जितने भी अपने भाई गांव है उनमें सब में कराएंगे। वेरी गुड। तो इसके लिए आपने कितने ट्रैक्टर लगाए हुए हैं? इसमें एक ट्रैक्टर तो फिलहाल लग रहा है, कल और परसों में दो तीन ट्रैक्टर आ जाएंगे जी। और पूरे एरिए का हम विशेष ध्यान रखेंगे, हर हर एक गांव में जाएंगे भाई। जो भी भाई हमारे जितने भी गांव के प्रधान है भी उनसे भी मैं संपर्क करता रहता हूँ कि भी उनके फोन आते हैं भाई हमारे गांव में करना है, उसमें वो करना है, तो उसमें हम साथ मिलके अपने जो भी प्रधान है, जो भी अपने मौजूद आदमी हर एक गाँव के है, उनके साथ मिलके और ये चीज हम मुहिम। तो इसके अलावा सैनिटाइज के अलावा आप और क्या कर रहे हैं? जो कोरोना जैसी महामारी, भयंकर बीमारी, इसके लिए आ रहा, आप क्या कदम उठा रहे हैं? संजय भाई मास्क भी बांटे हमने जी एरिए में। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो यह शुरुआत कहाँ से की अपने मास्क बांटने की? अपने ये 24 साल के चबूतरे से चालू की थी जी। और उसके बाद सारे गाँव में मास्क बांटे गए। और भाई हम तो इस महामारी के उसमें भाई अपने बादली पूरे हल्के के उसमें भाई साथ मिलके और इस मुहिम को हम आगे चलाने लग रहे। जो कोई गरीब है, जो कोई भी है, किसी को किसी चीज़ की समस्या है भाई, खाने की है या और कुछ है भाई, हमसे हमारे नंबर पे संपर्क करें और उसका हम अच्छी तरह से भाई उसके घर जाके खाना पीना जो भी है उसे घर पहुँचाएंगे। जी हाँ दोस्तों, और देखिए बाड़सा गांव के इस युवा समाज सेवी चेतानंद बाड़सा ने बीड़ा उठाया है, लगातार दावा किया जा रहा है सैनिटाइज करने का। और आज अवसर है लगरपुर गांव का। जी हाँ, लगरपुर में ये सैनिटाइज कर रहे थे, हम यहाँ पर पहुंचे हैं और हमारे साथ लगरपुर गांव के युवा सरपंच प्रतिनिधि है भाई चांद गुलिया। आइए सरपंच साहब से भी बात कर लेते हैं। नमस्कार सरपंच साहब। नमस्कार संजय भाई। संजय भाई सबसे पहले तो मैं आपका लगरपुर में आने पे आपका धन्यवाद करता हूँ। जी थैंक यू। जो आप गांव-गांव जाकर लोगों को समझा भी रहे हैं और अपना ये प्रचार दूर दूर तक पहुंचा रहे हैं, जिससे कि लोगों को ये समझ में आए कि अपने घर में रहोगे तो सुरक्षित रहोगे। जी हाँ, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हैं। सरपंच साहब, मैं आपसे जानना चाहूँ कि जो माननीय DC साहब का आदेश है ठीकरी पहरे को लेकर के, क्या व्यवस्था है गाँव में? गाँव में संजय भाई 3 शिफ्ट में पहरा लगा रखा है जी। सुबह 6 से 2 बजे तक, 2 से 10 बजे तक और रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक। तो ये कितने नाके लगाए हुए हैं आपने? हमारे गांव में 3 नाके हैं, जो एक तो दरियापुर का रास्ता बोलते हैं जिसे, एक दूसरा जो पेट्रोल पंप वाला रास्ता बोलते हैं जी, एक तीसरा जो हमारा रास्ता पड़ता है ये देवर खाने की तरफ जाता है जो मेन रास्ता जी, ये गुड़गांव रोड पर मिलता है। संजय भाई तीनों पे दिन और रात 24 घंटे का अलर्ट पहरा, जो हमारे पहरेदार आपको दिखाई भी देंगे और आप देख भी सकते हैं जी। अच्छा सरपंच साहब, मैं आपसे जानना चाहूं कि आज ये जो सैनिटाइज किया जा रहा है, युवा साथी है अपने चेतानंद बाड़सा, ये सैनिटाइज कर रहे हैं, इससे पहले भी गांव में सैनिटाइज हुआ है? इससे संजय, इससे भाई पहले हमने एक बार सैनिटाइज पंचायत की तरफ से करा दिया था, दूसरा एक समाज सेवी एक भाई और है वो भी करा के गया है, और आज चेतानंद भाई ने भी हमें बताया कि मैं आपके गांव में सैनिटाइज कराना चाहता हूं। तो मैं ये चाह रहा हूं कि ऐसे जवान युवा गांव-गांव से उठ के आए जो कि एक दूसरे की मदद करें, जैसे चेतानंद भाई ने कहा कि मैं सैनिटाइज कराऊं। भाई चेतानंद, ये 13 ही गांव है और जिस भी गांव में जो भी मदद आपसे बन पड़े आप वो मदद करें। बहुत बढ़िया। अच्छा सरपंच साहब, मैं बात करूं जिस तरह से प्रवासी मजदूरों की सहायता के लिए DC साहब ने भी फरमान जारी किया है, और आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 7 पॉइंट रखे हैं कि एक दूसरे की मदद करें, गरीबों की मदद करें, क्या व्यवस्था गांव में? संजय भाई, हमारे गांव में जो बाहर के जो मजदूर हैं, जो अपने दिहाड़ी मजदूरी करते थे, वे 6 परिवार हैं जी। उन्हीं 6 परिवारों से मैं ब्लॉक से राशन लेके आता हूँ, उनको राशन देता हूँ, जिसमें कि 5-6 बंदों का 1 हफ्ते का राशन होता है उसमें, वो मैंने दिया है। और हमारे गांव से कुछ नौजवान युवा बच्चे हैं जो कि एक दूसरे की मदद के लिए उनको राशन दे रहे हैं, और हमसे भी जो हमने बोल रखा है भाई, जो भी जिसको जिस प्रकार की मदद चाहिए, गेहूं से, आटे से, जिस प्रकार की मदद चाहिए हम वो देने को तैयार है। और BDO साहब ने बोल रखा है, अगर भाई कोई ऐसा मजदूर है जिसका कोई नहीं है यहाँ पे और उसका काम नहीं चल रहा, तो हमारा जो सेंटर खुला हुआ है बादली में, हम उनको वहाँ पे सुविधा दे रहे हैं, 24 घंटे खुला रहता है वहाँ पे, सुबह शाम का खाना पानी, नहाना धोना, सारी चीजें उनकी वहाँ पे कर रखी है। बहुत बढ़िया। तो चेतानंद भाई, कितनी देर से लग रहे हो आप यहाँ लगरपुर में ये सैनिटाइज करने?
संजय भाई, हम सुबह से लग रहे हैं जी। ठीक है, हमारे सारे भाई है, मेरे छोटे भाई है जी, मेरी टीम है जी, बैसनी भी है, ना कोई हमने बाहर का बंदा ले रखा है, ना कोई और है जी। मेरे भाई अलग हम साथ मिलकर कर रहे हैं जी, और ये तो करते ही रहेंगे हम। बहुत बढ़िया। और देखिए जी हाँ, इस समय ना केवल सामाजिक संस्थाएं बल्कि गांव के सरपंच की मैं बात करूं या युवा समाज सेवियों की बात करूं, चाहे वो चेतानंद बाडसा का है या इस जैसे अन्य युवा जो समाज सेवा का बीड़ा उठा हुए लगातार इस कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, जरूरतमंदों की मदद भी कर रहे हैं। जैसा कि सरपंच चांद गुलिया नगरपुर ने जानकारी दी है कि नगरपुर गांव में कोई भी गरीब व्यक्ति भूखा नहीं सो रहा है, यहां प्रशासन की सहायता ली जा रही है, आपस में एक दूसरे जो नगरपुर के युवा साथी हैं वो एक दूसरे की मदद के लिए आगे आए हैं, और यहां जो गरीब परिवारों को है राशन से लेकर के हर जरूरतमंद की वो चीज दी जा रही है, जिससे कोई भी गरीब व्यक्ति यहां भूखा ना सोए। जी हां, चेतानंद बाडसा जैसे युवाओं की ये सार्थक पहल है, जिससे ना केवल गांव को सैनिटाइज किया जाएगा अपितु गांव में कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए विशेष हिदायतें भी जारी की गई हैं। आइए आपका परिचय करा देते हैं एक बार, यहां लगरपुर गांव में जो कुछ युवा साथी ठीकरी पहरा दे रहे हैं, आइए उनसे भी रूबरू हो जाते हैं। ये कब तक की ड्यूटी कर रहे हैं और क्या हालात है यहां पर? जी हां, कुछ युवा साथी है उनसे बात करेंगे। क्या नाम है भाई साहब आपका? बबलू गुड़िया। बबलू भाई, कितने ड्यूटी दे रहे हो आप कब से? ये 2 बजे से लेकर 10 बजे तक हमारी ड्यूटी है। अच्छा, 10 बजे के बाद फिर 2 बंदे और आ जाएंगे, वो सुबह 6 बजे तक रहेंगे। अच्छा, 6 बजे आएंगे, वो दिन में 2 बजे तक रहते हैं जी। तो पूरा गांव सील कर रखे आपने? जी बिल्कुल पूरा। क्या खास हिदायत है प्रशासन की और सरपंच साहब जो कह रहे हैं वो सारी बातें सैनिटाइज कराते हो आने वाले लोगों को? बिल्कुल, आने वाले लोग सारे गांव में पूरे में भाई साहब भी आए हुए हैं, चेतानंद सुबह से लगे हुए हैं, और अपने प्रधान जी भी सैनिटाइज करा रहे हैं, और गाँव में सभी युवा बच्चों को बोल रहे हैं भाई अपना सेफ्टी रखो, घर घर जाके उनको बोलो घर से बाहर ना निकले, और यहाँ हम खड़े हुए हैं, गाँव से कोई बाहर नहीं जाने देते, किसी को आने नहीं देते यहाँ पे जी। तो सरपंच साहब, गांव में सैनिटाइज की पूरी व्यवस्था है? पूरी व्यवस्था कर रखी संजय भाई हमने, है ना, घर घर सैनिटाइज पहुँचा दिया है, और मास्क भी बांट दिए हैं, और एक बार फॉगिंग भी करा दी है जी। और हमारे गांव में जितने भी स्कूल है उसमें भी साफ सफाई कराई, जो हमारे सफाई कर्मचारी है मैं उनको मुबारकबाद देना चाहूंगा, और उनका मैं एक बार अच्छी तरीके से ये लॉकडाउन खुलने के बाद उनका स्वागत भी करूंगा। बहुत बढ़िया, स्वागत करना चाहिए जी। हाँ सरपंच साहब, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं आप, ऐसे स्वास्थ्य कर्मियों को, ऐसे सफाई कर्मियों को हमें सम्मानित करना चाहिए, ताकि वो इस वैश्विक घड़ी में, इस संकट की घड़ी में लोगों की सेवा कर रहे हैं। चेतानंद भाई, फॉगिंग की एक बात चली है, यहाँ भी सरपंच ने कहा है कि जो यह जो मौसम है ये मच्छरों का है, प्रकोप का है, बीमारियां फैलती हैं, गंदगी होती है, तो इस विषय में आप कुछ कहना चाहेंगे? संजय भाई, प्रधान जी से आज बात हुई है। हाँ ठीक है, उससे हम संपर्क करेंगे, पूरे बादली जो जितना भी अपना हल्का है ये फॉगिंग भी कराएंगे, और इसके बाद MLA साहब मशीन लेकर आया, 3 मशीन और आई है जी, और भी भाई आज ये हम कराने लग रहे हैं, इसके बाद सैनिटाइज फिर भी किया जाएगा। बहुत बढ़िया, जब भी जरूरत होगी कोई आपके पास कॉल करेगा तो आप सैनिटाइज के लिए तैयार हैं? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, हर एक गांव में चाहे 2 बार हो चाहे 3 बार हो कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बढ़िया जी। हाँ सरपंच साहब। संजय भाई, हम मोदी साहब को एक बात कहना चाहेंगे जी, कि मोदी साहब तुम बढ़े चलो, हम तुम्हारे साथ हैं। बहुत बढ़िया, ये पूरा हिंदुस्तान आपके साथ है, जो सरकार का हुक्म आएगा वो एक एक जन जन उस हुक्म का पालन करेगा। बहुत बढ़िया, और तभी कोरोना जैसी महामारी से लड़ा जा सकता है जब हम सरकार के दिशा निर्देश की पालना करेंगे, विश्व स्वास्थ्य संगठन के नियमों की पालना करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग अपनाएंगे और अपने घरों में रहेंगे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम चांद सिंह है, मैं गाँव का चौकीदार हूँ। अच्छा, मैं तो अपने पूरे बादली ब्लॉक के चौकीदार भाइयों से यही आवेदन करूंगा कि मिलजुल कर अपने गांव में ठेकरी लगाए। हाँ। और इस कोरोना जैसी महामारी से बचे। तो आपके पास सारी सुविधा है, मास्क सैनिटाइजर है आपके पास? मास्क है, सैनिटाइजर है, प्रधान जी ने इन्हें बंटवा दिया था कई दिन पहले। अच्छा, तो आज आपके गांव में जो ये युवा साथी आए हैं चेतानंद बाडसा, ये सैनिटाइज कर रहे हैं, आप इनके साथ देख रहे हो, पूरा गाँव सैनिटाइज कर रहे हैं? हाँ जी, पूरे गाँव में घूम रहे हैं, सुबह से लग रहे हैं। अच्छा, सैनिटाइज हो रहा है? सैनिटाइज हो रहा है। तो आप पूरी ड्यूटी दे रहे हैं या किसी प्रकार की कोई दिक्कत है आपको? ना फिलहाल तो जी कोई दिक्कत नहीं है किसी प्रकार की। अच्छा जी हाँ, और देखिए जागरूकता, जी हाँ, कोरोना से लड़ने का एक ही उपाय है कि जागरूक रहें, अपने आप को घरों पर रखें, दूसरों को भी प्रेरित करें ताकि वो अपने घरों से ना निकले। और अंत में एक बार फिर से चेतानंद भाई से मैं बात करना चाहूंगा। चेतानंद भाई, जिस तरह से आप पूरे गांव गांव जा रहे हैं,
आपने कहा है कि पेड़पा से शुरुआत की है, आप संधि के चबूतरे पर भी गए हैं और आज आप लगरपुर में मौजूद हैं। तो ये जो तमाम जो लॉकडाउन आज समाप्त हो गया है, दूसरे दौर का लॉकडाउन शुरू हो गया है, तो ये जो लॉकडाउन है ये 3 मई तक चलेगा, तो तब तक आप सैनिटाइज करते रहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल संजय भाई, और मैं अपने जितने बादली हल्के के भाई जितने भी भाई है उनसे यही बात बोलूँगा, अपने घर पे रहो, बाहर ना निकलो। जी हाँ, ठीक है। और उसके बाद जितने भी अपने प्रधान हैं या और जो भी भाई है जो इसमें इस टीम में इसमें जो सहायता करते हैं उनसे भी यही बोलूँगा, भाई जितने भी गरीब आदमी हैं उनकी सेवा करना हमारा हक है। जी हाँ, और यही बात आज भारत के प्रधानमंत्री ने भी कही है, कोरोना रक्षक के रूप में उभर रहे हैं लगरपुर के युवा। जी हाँ, हाथों में लाठी है और मास्क लगाए हुए हैं, सैनिटाइज लगातार सरपंच के द्वारा इनको सैनिटाइज भी किया जा रहा है और अपनी ड्यूटी का बेहतरीन निर्वहन कर रहे हैं ताकि कोई भी कोरोना संक्रमित गाँव में ना घुसे, लोगों को जागरूक किया जा सके, अनावश्यक रूप से घरों से बाहर ना निकला जाए, यही कोशिश है। तमाम जो ग्राम पंचायतें हैं, सरपंच साहेबान हैं, और आज इसी क्रम में युवा चेतानंद बाडसा का नाम भी जुड़ा है जो लगातार सैनिटाइज करने का दावा कर रहे हैं और इन्होंने एक अपील भी की है। जी हाँ, खास तौर से ध्यान देने योग्य अपील इन्होंने की है भाई चेतानंद बाडसा। मैं चाहूंगा इनकी, इन्होंने जो अपील की है मैं एक बार फिर से रिपीट करूं, कोई भी व्यक्ति, गरीब, जरूरतमंद, असहाय व्यक्ति इनसे संपर्क कर सकता है, जिस तरह की भी मदद बनेगी ये उसके लिए तैयार है। इन्होंने यहां पर आज घोषणा भी की है, चांद प्रधान लगरपुर की उपस्थिति में इन्होंने कहा है कि ये पूरे जो अपने क्षेत्र के गांव हैं उनमें सैनिटाइज करेंगे, साथ ही जो मच्छरों का प्रकोप है और जो बीमारियां फैलने वाली है उसके लिए ये फॉगिंग का भी काम शुरू करेंगे। जी हाँ, इसी तरह से इनके सहयोग से ही हम सब मिलकर के कोरोना से लड़ सकते हैं। तो आइए हम सब मिलकर के भारत सरकार के नियमों की पालना करें, कोरोना जैसी महामारी को हराएं और ये जो लॉकडाउन दूसरा जो चरण जारी किया गया, इस दूसरे चरण के लॉकडाउन की पालना करें, तभी हम सुरक्षित रह सकते हैं।